हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर. वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस. आज हम बात करेंगे अबाउट आफ्टर फेब्रुअरी. देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि किस तरीके से जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी थी अगेंस्ट ज़ार निकोलस द सेकेंड एंड हिज गवर्नमेंट. फिर हमने ये देखा कि जो ज़ार हैं वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देते हैं. आप जैसे ही वो ड्यूमा को सस्पेंड करते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे वो इस डिसीज़न के खिलाफ हो जाते हैं एंड ज़ार निकोलस द सेकेंड के अगेंस्ट हो जाते हैं. फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि जो वर्कर्स का रेवोल्यूशन था, जो स्ट्राइक थी, वो आगे बढ़ती ही जा रही थी और उन्होंने ज़ार निकोलस द सेकेंड एंड उनकी गवर्नमेंट को चारों तरफ से घेर लिया था. अब ज़ार निकोलस द सेकेंड एंड उनकी गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने कैवलरी बुलाई और कैवलरी को ऑर्डर दिया कि इन वर्कर्स को सिर्फ फायरिंग के थ्रू ही चुप कराया जा सकता है. लेकिन जो कैवलरी थे उन्होंने फायरिंग करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि हम इन वर्कर्स पर, जिनको नाम दिया गया डेमोंस्ट्रेटर, कि हम इन डेमोंस्ट्रेटर पर फायरिंग नहीं करेंगे. सो एट द एंड हुआ क्या कि जो सोल्जर्स थे एंड जो वर्कर्स थे वो मिल गए और उन्होंने एक सोवियत बना ली थी जिसे कहा गया पेट्रोग्रेड सोवियत, राइट. फिर हमने पढ़ा कि अब जैसे ही पेट्रोग्रेड सोवियत बनी तो जो मिलिट्री कमांडर्स थे, जो जिन्होंने ज़ार निकोलस द सेकेंड को एडवाइज़ किया कि अब आपको अपनी थ्रोन को एबडिकेट करना ही पड़ेगा वरना आपकी जान चली जाएगी, सो आउट ऑफ फियर अब ज़ार निकोलस द सेकेंड क्या करते हैं, वो अपनी राजगद्दी को छोड़ देते हैं. अब हमने क्या पढ़ा कि फेब्रुअरी के रेवोल्यूशन में लोगों को राजा से मुक्ति मिल गई, राजा तो चला गया. अब क्वेश्चन ये आता है कि पावर किसके हाथ में आई, पावर आई प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में, राइट. अब देखो, प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में पावर तो आई, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा था, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे के सारे अपर स्ट्रेटा के लोग हैं. ये सभी लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे या डोमिनेट कर रहे थे. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट, अब जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे इनके बीच में वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ना होके बल्कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए ताकि रशिया के फ्यूचर के बारे में बात की जाए. एंड अब हुआ क्या, देखो अब राजा चला गया तो उसकी सत्ता भी चली गई, उसके रूल भी ख़त्म हो गए. तो राजा के टाइम पर क्या था कि पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी. वो इसलिए कर रखी थी क्योंकि ज़ार निकोलस द सेकंड नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट कोई बोले, कोई पब्लिक मीटिंग में उनके अगेंस्ट कुछ जनरल वगैरह छापे या उनके अगेंस्ट कुछ बोले. सो इसीलिए उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल किया हुआ था, पब्लिक मीटिंग्स को इलीगल किया हुआ था. अब वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं और सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई तो हुआ क्या कि अब पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस पर रेस्ट्रिक्शंस जैसे ही हटी तो बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स होने लगी. एंड अब जगह जगह पर, लोकल प्लेसेस पर सोवियत्स बनने लगे. जैसे कि हमने एक पेट्रोग्रेड सोवियत देखा, उसी तरीके से बहुत सारे सोवियत अब हर जगह सेटअप होने लगे थे. क्यों? क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस पर जो रेस्ट्रिक्शंस थी अब वो तो रिमूव कर दी गई. अब लोगों के पास आज़ादी थी कि वो जब चाहे जब चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकती है. सो अब हर जगह हमें ये देखने को मिला कि सोवियत जो है वो स्टैब्लिश होने लगे. सोवियत दैट मीन्स अ काउंसिल और अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. हालांकि इस सोवियत में जितने भी लोग होते थे इसमें कोई ऐसा इलेक्शन फॉलो नहीं किया जाता था. अब आगे देखो, अप्रैल 1917 में क्या होता है, जो बोल्शेविक लीडर था जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, अब वो रशिया वापस आ जाता है फ्रॉम हिज एग्जाइल. देखो, इसको एग्जाइल पर डाला हुआ था, मतलब इसको कहते ना कि देश निकाला या बहिष्कार कर देना किसी को. सो व्लादिमीर लेनिन को रशिया से बाहर निकाल रखा था, रीज़न बीइंग कि इसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंड राजा के अगेंस्ट बहुत कुछ आवाज़ें उठाई थी एंड बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करे थे जिसकी वजह से इसको एग्जाइल कर रखा था. पहले तो इसको हालांकि जेल हुई थी कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर इसको रशिया से बाहर एग्जाइल कर दिया गया, राइट. अब व्लादिमीर लेनिन को पता था कि राजा जो है वो एबडिकेट कर चुका है अपनी राजगद्दी को. तो अब ये क्या करता है, अब ये अप्रैल 1917 में रशिया में वापस आता है. ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914. देखो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन में
ज़ार निकोलस द सेकेंड पार्टिसिपेट करते हैं 1914 में, तब से लेकर जो लेनिन है एंड जो बोल्शेविक पार्टी है, ये सभी के सभी अगेंस्ट थे इस डिसीज़न के, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करे। सो व्लादिमीर लेनिन, एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि ये 1917 से पहले एग्जाइल में थे, तो ये बाहर रशिया के बाहर रहकर भी अपनी पार्टी को चला रहे थे, एंड व्लादिमीर लेनिन एंड जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे, ये सभी के सभी इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर वन में ये रशिया जो है पार्टिसिपेट करें। सो इसीलिए ये सभी के सभी ज़ार निकोलस द सेकेंड के अगेंस्ट थे, उनके इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। सो व्लादिमीर लेनिन को अब क्या लगता है, अब इनको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि जो रशिया की पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, सोवियत्स के हाथ में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसको बने हुए 2 महीने ही नहीं हुए थे, व्लादिमीर लेनिन जैसे ही रशिया आते हैं ये सोवियत का नारा लगाने लगते हैं। ये कहते हैं कि जो पावर प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में है, अब वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से छीन कर किसको दे देनी चाहिए, सोवियत्स को दे देनी चाहिए। दैट मीन्स कि सोवियत की गवर्नमेंट हो। सोवियत में कौन लोग आएंगे, यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, वही लोग जो वर्कर्स थे जिन्होंने सोवियत बनाई थी। तो यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन कहते हैं कि इन वर्कर्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि अपर स्ट्रेटा के लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन जो है वो इसीलिए सोवियत के लिए खड़े होते हैं। ये कहते हैं कि जो पावर है गवर्नमेंट की, अब वो वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए, मतलब वर्कर्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ओके। एंड अब यहाँ पर क्या करते हैं व्लादिमीर लेनिन, यहाँ पर ये जैसे ही अप्रैल 1917 में आते हैं रशिया में, ये एक अपनी अप्रैल थीसिस देते हैं। अप्रैल थीसिस में ये 3 डिमांड रखते हैं, और ये डिमांड अप्रैल में रखी गई, इसीलिए इसे अप्रैल थीसिस कहा गया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल थीसिस क्या है। सो अप्रैल थीसिस में इन्होंने डिमांड की, ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, सेकेंड लैंड बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स, थर्ड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। तो ये 3 डिमांड इन्होंने इस थीसिस में रखी थी। तो देखो, पहली डिमांड क्या थी, इन्होंने कहा कि जो ये वॉर है वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें रशिया ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, अब रशिया के पार्टिसिपेट को विड्रॉ कीजिए, मतलब रशिया को वर्ल्ड वॉर वन से निकालिए, ठीक है। इन्होंने गवर्नमेंट को कहा अप्रैल थीसिस में कि जो वर्ल्ड वॉर वन में रशिया का पार्टिसिपेशन है, इनके पार्टिसिपेशन को ख़त्म कीजिए, वरना कैजुअलिटीज़ बढ़ती ही रहेंगी और हमारे लोग मरते ही रहेंगे और भूखमरी आ जाएगी पूरे देश में। सो इसीलिए व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि रशिया का वर्ल्ड वॉर वन से पार्टिसिपेशन हट जाए। दूसरा, इन्होंने डिमांड किया कि जो लैंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाए पेजेंट्स को, मतलब जो कैपिटलिस्ट थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास खूब सारी ज़मीनें थी, तो व्लादिमीर लेनिन कहते हैं वो ज़मीनें उनसे लेकर किसानों को दे देनी चाहिए। तीसरा, इन्होंने कहा कि बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए, मतलब देखो इस टाइम तक क्या था कि बैंक्स जो हैं वो कैपिटलिस्ट के अंडर थे, तो ये कहते हैं कि बैंक्स कैपिटलिस्ट के अंडर नहीं होने चाहिए, कोई एक अधिकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। तो अगर बैंक्स को गवर्नमेंट के अंडर करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, नेशनलाइज्ड बैंक्स, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो इन्होंने कहा कि जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया जाए, दैट मीन्स गवर्नमेंट ओनरशिप एंड अथॉरिटी होनी चाहिए बैंक्स में, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान की या किसी कैपिटलिस्ट की, ओके। ये तीनों ही डिमांड को कहा गया अप्रैल थीसिस। अब यहाँ पर जैसे ही अपनी डिमांड सामने रखते हैं तो व्लादिमीर लेनिन कहते हैं कि हमें बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। अब यहाँ पर हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी याद करनी है। देखो, कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि सोशलिज्म के बाद अल्टीमेट गोल क्या है, उनका विज़न क्या था, उनका विज़न था कि सोशलिज्म के बाद कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, और ये कहते थे कि जो पावर है वो वर्कर्स को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, वर्कर्स को गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके के कार्ल मार्क्स के आइडिया होते थे, और इनका लास्ट विज़न यही था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। सो इन द सेम वे हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि व्लादिमीर लेनिन
जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं और ये कहते हैं कि हमें बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स न्यू रेडिकल एम्स। न्यू रेडिकल एम्स का मतलब क्या है? जो तीनों यहाँ पर डिमांड व्लादिमीर लेनिन ने रखी थी, ये एक रेडिकल विजन था। दूसरा, रेडिकल विजन का मतलब क्या होता है? रेडिकल एम का मतलब क्या होता है? जो इंस्टेंट चेंजेस करे। इन्होंने कहा कि इंस्टेंट चेंजेस होने चाहिए, इनके लिए हम वेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए रेडिकल एम्स बोला गया इनको। अब बोल्शेविक पार्टी के जो अदर मेंबर थे, देवर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। अब व्लादिमीर लेनिन ने जैसे ही अप्रैल थीसिस सामने रखी तो इस चीज़ से बहुत सारे बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स सरप्राइज हो गए, एस्टोनिश हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभी कोई बदलाव किया जाए, क्योंकि उनको लग रहा था ये अभी सही टाइम नहीं है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाया जाए, क्योंकि ये जो तीनों डिमांड यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन ने की थी अप्रैल थीसिस में, ये तीनों डिमांड कब पूरी हो सकती थी? जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो। सो इसीलिए अब जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर थे वो राजा के जाने के बाद खुश थे, वो चाहते थे कि चलो ठीक है, अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट आई है, इसे थोड़ा सा टाइम दो। तो इसीलिए जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर थे वो कह रहे थे कि अभी अप्रैल थीसिस की ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी जल्दी बदलाव नहीं लाया जा सकता, ना ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, इतना बड़ा कदम अभी उठाने के लिए सही टाइम नहीं है। सो इसीलिए वो चाहते थे बोल्शेविक पार्टी के मेंबर कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। वेयर एज व्लादिमीर लेनिन जो थे वो क्या चाहते थे कि रेडिकल चेंज हो, एकदम से चेंजेस हो और उनकी डिमांड्स को मान लिया जाए। बट ऑन द अदर हैंड जो उनकी पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का टाइम नहीं है, ये करेक्ट टाइम नहीं है, इतना बड़ा कदम अभी नहीं उठाया जा सकता और ये डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं की जा सकती अभी। अभी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को आए हुए 2 महीने ही हुए हैं, अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आने दीजिए। इसीलिए इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। बट द डिवेलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स की वजह से हमें देखने को मिला कि जो ये बोल्शेविक पार्टी के लोग थे इनके एटीट्यूड में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो अब आगे के पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे कि जो ये सब्सिक्वेंट मंथ्स, मतलब अगले कुछ महीनों में जो बोल्शेविक्स पार्टी के अंदर, उनके एटीट्यूड के अंदर चेंजेस आए, वो कैसे आए, क्या चेंजेस थे, उन सब चीज़ों को हम अब नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ में पढ़ेंगे। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। नाउ समर तक आते आते जो वर्कर्स का मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था, फैल चुका था जगह जगह पर, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो सोवियत है, सोवियत हर एक जगह पर लोकल प्लेसेस पर सेटअप होने लगी थी एंड सोवियट्स में सारे पीपल वर्कर्स ही तो थे। तो इसीलिए जो वर्कर्स का मूवमेंट था वो अब स्प्रेड होने लगा था। एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ बनने लगी थी। अब देखो फैक्ट्री कमिटीज़ में कौन कौन लोग थे? वो लोग जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करते थे। नाउ ये जो फैक्ट्री कमिटीज़ के लोग थे दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कैपिटलिस्ट पीपल। और कौन कैपिटलिस्ट? जो इन इंडस्ट्रीज़ को चलाते थे या जो इन फैक्ट्री के मालिक थे। सो देखो क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे इनका मूवमेंट स्प्रेड होने लगा, ठीक है, जगह जगह पर सोवियट्स जो है वो एस्टैब्लिश होने लगे, उनका सेटअप होने लगा था, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ एस्टैब्लिश होने लगी थी। अब जो ये फैक्ट्री कमिटीज़ में लोग थे ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करते थे एंड अगर कहीं पर किसी भी वर्कर के साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये हड़ताल वगैरह भी कराया करते थे, राइट। और इन्होंने कैपिटलिस्ट या जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके अगेंस्ट क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि जो मालिक है वो किस तरीके से वर्कर से काम करा रहा है, क्या वर्कर सही ढंग से काम कर रहे हैं, क्या वर्कर सही हालातों में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जो वर्कर्स की यू नो कंडीशन है वो कैसी है। सो इन चीज़ों पर फैक्ट्री कमिटीज़ ध्यान दिया करती थी। इसी के साथ साथ ट्रेड यूनियंस भी लार्ज नंबर में ग्रो होने लगे, ट्रेड यूनियन जो कि वर्कर्स के लिए काम किया करते थे ये लोग भी, राइट। कहीं पर अगर वर्कर्स को सस्पेंड कर दिया जाता था काम से तो ये लोग स्ट्राइक करवाया करते थे, ये भी वर्कर्स के लिए काम किया करते थे। दूसरी तरफ हम आर्मी में क्या देख रहे हैं कि सोल्जर्स कमेटी बनने लगी आर्मी में,
ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग ना अब ज़्यादा अवेयर होने लगे थे, और जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी, इस रेस्ट्रिक्शन के हटाने के बाद जो हमने ये पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंड पब्लिक मीटिंग्स पर एसोसिएशंस पर जो ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी, तो इसके बाद हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि सभी लोगों ने अपने अपने यूनियन बना लिए होते हैं। सो जो अभी हमने पढ़ा उससे एक चीज़ समझ में आ गई आपको कि हर एक ग्रुप ने अपनी अपनी कमेटी बना ली थी, अपने अपने सोवियट्स सेटअप कर लिए थे। सो ऐसा करते करते लगभग 500 सोवियट्स यहाँ पर बन गए थे। तो जून में क्या हुआ, जून में 500 सोवियट्स ने अपने रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि फैक्ट्री कमिटीज़ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, ट्रेड यूनियंस ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, सोल्जर कमिटीज़ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। तो हर एक जो सोवियत ग्रुप था उन्होंने अपने ग्रुप के या अपने सोवियत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कहाँ पर भेजा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें इन सभी सोवियट्स की बैठक हुई थी और इन सभी सोवियट्स के अपने रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स इस बैठक में आए थे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक जो सोवियत थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, जिसमें रशिया में जितने भी सोवियट्स बने थे उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक हुई थी। अब इस बैठक के बाद क्या हुआ, एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रिड्यूस। अब ये जो बैठक हुई थी, अब ये बैठक जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट को पता चली, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को यहाँ पर पता चल गया था कि उनकी पावर अब रिड्यूस हो चुकी है। किसकी पावर, प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर। देखो मेन सरकार अभी यहाँ पर कौन सी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, सभी लोगों ने अपनी कमिटीज बना ली, सोवियट सेटअप हो चुके थे, राइट। सो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर है वो रिड्यूस हो गई, और ये बात प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी पता चल गई थी, क्योंकि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में ये जो लोग थे ये बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट सोवियत के हाथ में आए, पावर सोवियट्स के हाथ में आए, तो ऑब्वियसली ये सोवियट्स तो बोल्शेविक के ही सपोर्ट में होंगे। सो अब क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कि जो पावर थी वो अब खतरे में आ गई थी, और उनको पता चल गया था कि उनकी पावर रिड्यूस हो गई है, एंड बोल्शेविक की जो पावर है या जो उनका इन्फ्लुएंस है वो ग्रो होने लगा है। अब गवर्नमेंट ने आउट ऑफ फियर क्या करा, ऑब्वियसली वो अब चाहती थी कि जो ये डिसकॉन्टेंट फैल रहा है सोसाइटी में, डिसकॉन्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो असंतुष्टि या फिर ग्रीवेंसेज, मतलब जो शिकायतें हो रही हैं लोगों की, अब उनको बंद किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए अगेंस्ट दिस स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ से पावर जाए। सो ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर्स लिए ताकि ये जो डिसकॉन्टेंट फैल रहा है रशिया में इसे ख़त्म किया जाए, एंड बोल्शेविक के इन्फ्लुएंस को भी ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इसका इन्फ्लुएंस कम क्यों होता जा रहा था, एंड बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस क्यों ग्रो होता जा रहा था, क्योंकि ये जो सोवियत पीपल थे ये चाहते थे कि वॉर जो है, जो वर्ल्ड वॉर वन हो रहा है, इसमें रशिया का पार्टिसिपेशन हटाया जाए। ठीक है, सो ये लोग चाहते थे कि वॉर स्टॉप हो और देश को बचाया जाए। वेयर एज प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ये चाहती थी कि वॉर को कंटिन्यू किया जाए ताकि हमारा इन्फ्लुएंस बना रहे। सो इस वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसकी जो पावर थी वो रिड्यूस हो रही थी, एंड बोल्शेविक्स की जो पावर थी वो ग्रो हो रही थी। अब आगे पढ़ते हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरीके के मेजर्स लिए अगेंस्ट दिस ग्रीवेंसेस और द डिसकॉन्टेंट। अब देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो ऑब्वियसली वो अपनी पावर का यूज़ करेगी ताकि बोल्शेविक के इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जा सके। तो इन्होंने क्या करा, उन सभी वर्कर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जो अपनी मर्जी से फैक्ट्रीज़ को चलाना चाहते थे, एंड साथ ही साथ इन्होंने उनके लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, सोवियत्स के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी टाइम पीरियड में जुलाई 1917 में क्या हुआ कि बोल्शेविक के मेम्बर्स ने कुछ स्ट्राइक करने की कोशिश की। ठीक है, तो बोल्शेविक के मेंबर्स ने जैसे ही कुछ स्ट्राइक डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश की, तो इनके इस मूवमेंट को या इस एक्शन को
प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रिप्रेस कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इस टाइम पर हुआ ये कि जो बोल्शेविक लीडर्स थे उनको हाइड होना पड़ा या फ्ली होना पड़ा। हाइड मतलब यहाँ वहाँ छुपना पड़ा, या फिर फ्ली मतलब अपने देश से बाहर जाना पड़ा। और यही हालत ये व्लादिमीर लेनिन की थी इस टाइम पर, उसको भी अपना देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब ये तो बात हुई सिटी साइड की, जो हमने ऊपर बात की, ये तो हो रहा था सब कुछ शहरों में। अब बात करते हैं कि कंट्री साइड में क्या हो रहा था। सो मीनवाइल इन द कंट्री साइड जो पेजेंट्स थे एंड जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, इन्होंने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, ये चाहते थे कि जो लैंड ओनर्स के पास या कैपिटलिस्ट के पास ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों को छीनकर किसको दे दी जाए, ये ज़मीनें पेजेंट्स को दे दी जाएँ, मतलब किसानों को दे दी जाएँ। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से रिकॉल कराती हूँ, हमने दो पार्टी देखी थी, एक तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और दूसरी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वो वर्कर्स के लिए सिटी में काम करती थी, शहरों में काम करती थी, वेयर एज जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ये पेजेंट्स के लिए कंट्री साइड में काम करती थी और पेजेंट्स के राइट्स के लिए काम करती थी, राइट। सो लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस। अब इसी टाइम पर क्या हुआ कि लैंड कमिटीज बनाई गई ताकि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. अब जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास खूब सारी ज़मीन थी, उन ज़मीनों को कॉन्फिसकेट कर लिया या फिर उन ज़मीनों को सीज कर लिया, किसने? पेजेंट्स ने, किसानों ने। और इस चीज़ को बढ़ावा किसने दिया? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने। और ये इन्होंने कब किया? इन्होंने लैंड्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया था बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, इन महीनों के बीच में। और ईयर कौन सा था? 1917। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि शहर में देखें तो शहरों में भी कमिटीज़ बनने लगी थी, गांव में देखें तो गांव में भी कमिटीज़ बनने लगी थी, ठीक है। सो इस तरीके से हमें एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी एक मूवमेंट देखने को मिलती है। और यहीं से शुरुआत होती है बच्चों अक्टूबर रेवोल्यूशन की। लेकिन ये रेवोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जितना मैंने अभी तक कराया है उसे आप कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो और मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।